या जेल में बंद कोई व्यक्ति किसी सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम में शिरकत कर सकता है? क्या उसे कार्यक्रम में बकायदा विशिष्ट अतिथि आमंत्रित किया जा सकता है? सवाल जरा अटपटा है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, लेकिन बिहार में ऐसा ही हुआ है। आज आरा में सामाजिक अधिकारिता शिविर लगने वाला है। शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री आर के सिंह आमंत्रित हैं और उसी कार्यक्रम में राधा चरण सेठ, जो जेडीयू के एमएलसी हैं और इन दिनों मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं, उन्हें विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस बात को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। आमंत्रण पत्र तेजी से वायरल हो रहा है और सबके जेहन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या राधा चरण सेठ जेल से बाहर आएंगे? क्या राधा चरण सेठ उस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे? बता दें, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत सरकार की एडीप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत देश भर में 74 जगहों पर सामाजिक अधिकारिता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में दिव्यांगों एवं वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायता उपकरण वितरण किए जाने वाले हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री आर के सिंह को आमंत्रित किया गया है। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर एमएलसी अवधेश नारायण सिंह, जीवन कुमार, आरा की महापौर इंदु देवी के अलावे एमएलसी राधा चरण सेठ को भी आमंत्रित किया गया है। राधा चरण सेठ इन दिनों मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद। जब से यह आमंत्रण पत्र सार्वजनिक हुआ है, हर तरफ एक ही सवाल उठ रहा है कि जब राधा चरण सेठ जेल में बंद हैं, तो वो भला इस कार्यक्रम में शिरकत कैसे करेंगे? अब यह सब कुछ आयोजनकर्ता और सरकार पर निर्भर करता है कि क्या वह राधा चरण सेठ को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जेल से बाहर लाएंगे।